फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रम्पटन के शेयर प्राइस पे। फ्रेंड्स, स्टॉक में आज हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। रीजंस क्या है और क्या कुछ इस स्टॉक की अपडेट है, पूरी डिटेल से समझेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले तो बात करेंगे इनके क्वार्टरली रिजल्ट की। इनके क्वार्टर फोर के जो रिजल्ट हैं वो आने वाले हैं 16 मई को, ठीक है। इनके 16 मई को क्वार्टरली रिजल्ट आने हैं। उससे पहले भाई लोग कर रहे प्रॉफिट बुक। प्रॉफिट बुक क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन्स है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो आप सभी को पता ही होगा, ये एक मिड कैप कंपनी है और जो ये इलेक्ट्रिकल काम होते हैं ना, जैसे कि भाई गीज़र हुआ या कोई और ऐसी चीज़ें हुई, उनका ये काम करती है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि प्रॉफिट बुक क्यों कर रही है। यहाँ पे आपको एक मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है जो कि रिस्टेंस है, और अपने चार्ट में हमेशा चार्ट को ड्रॉ करके रखा करें। और ड्रॉ कैसे किया हमने, इस कैंडल के टॉप से इस कैंडल के टॉप को मिला के हमने ड्रॉ किया, तो पहले भी यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिली थी स्टॉक में, अब फिर यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिले। देखो, रिस्टेंस पे आके हमेशा ही आपको रिजेक्शन देखने को मिलती है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो चार्ट में कौन सा पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, रिस्टेंस वहीं पर होगा। देखो, एज इट इज ऐसे अच्छे से नहीं बनेगा आपका जो डब्लू पैटर्न है, वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, क्योंकि भाई मार्केट है, अपने अकॉर्डिंग चलेगी। तो यहाँ पे आप कहोगे कि भाई इस लेवल पे ये हो सकता था, ये इस लेवल पे, तो भाई इस लेवल पे भी हो सकता था, लेकिन इसने ब्रेकआउट दे दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद एक और रिस्टेंस था, यहीं से ये करेक्शन भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे आज की जो गिरावट है वो ओनली एक आप प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हो। प्रॉफिट बुकिंग भी क्यों, क्योंकि ये ओवरबॉट हो चुका है। इसकी स्टॉक की पीई भी 60+ चली गई है, स्टॉक की पीई काफ़ी ज़्यादा हो रखी है, और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आपको इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे इनके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट अच्छे आए थे, तो उम्मीद की जा रही है कि क्वार्टर फोर के रिजल्ट भी अच्छे आए, लेकिन यहाँ पे ओनली एक क्वार्टर के नहीं रिजल्ट आने हैं, बल्कि ईयर टू ईयर भी कंपेरिजन होगी, तो जिस वजह से आपको थोड़ा बहुत प्रेशर स्टॉक में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर गिरावट की बात करें तो इसका सपोर्ट रहने वाला है 305 का। अगर इसका ब्रेकडाउन कर देगा तो ये 275 तक ये स्टॉक जाता हुआ नज़र आ सकता है। अगर ऊपर के लेवल हमें देखने को मिले जो कि है फर्स्ट रिजिस्टेंस 345 के आसपास का फर्स्ट रिजिस्टेंस यहाँ पे रहने वाला है। अगर ये इसका ब्रेकआउट करके ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज कर देती है तो हम इसका ब्रेकआउट मानेंगे और समझेंगे कि भाई कितना ऊपर के लेवल हमें देखने को मिलेंगे। फिर जो ये डेप्थ बनेगी उतने ही ऊपर के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स फिलहाल मार्केट में प्रेशर है तो स्टॉक में भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो रीजन का गिरावट के रीजन भी आपको पता चल गए होंगे। होप करती हूँ वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। और फ्रेंड्स, किसने कितने प्राइस पे अपनी पोजीशन स्टॉक में बना रखी है कमेंट करके बताना, और कैसे इनके क्वार्टरली रिजल्ट आने की उम्मीद है ये भी कमेंट करके बताना। और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो का मोटिव ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है। मैं किसी को पर्सनली रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आप स्टॉक में बाई करो, सेल करो या होल्ड करो।